जिले में डेंगू का महानगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है, जो 74 गांव डेंगू से प्रभावित हैं उसका निरीक्षण किया गया और लोगों से फीडबैक लिया गया। छिड़काव, साफ सफाई की व्यवस्था की क्या स्थिति है, उन्होंने कहा कि डेंगू से प्रभावित गाँव को चिन्हित कर साफ सफाई कराया जा रहा है, इसके साथ ही चूना पाउडर तथा एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। सभी गांव के प्रधान सचिव को निर्देशित किया गया है कि वह अपने गांव में एंटी लार्वा का लगातार छिड़काव कराते रहें और हफ्ते में एक बार फॉगिंग भी कराएं, ताकि कोई नया मच्छर पनप ना सके और लोग डेंगू की बीमारी से प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा। पिछले महीने बाढ़ आने की वजह से और बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद मच्छर का प्रकोप जारी है, जिसको देखते हुए पंचायती राज विभाग के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। इसमें 3054 सफाई कर्मियों के साथ किराए के मजदूरों को भी लगाया गया है, जिससे कि गांव में किसी प्रकार का नाली नाला में जल भराव, गंदगी, झाड़ियां ना रहे, उसे अच्छी तरह से साफ सफाई कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, अभी जैसे कि कल ही जिलाधिकारी महोदय ने दिशा निर्देश जारी किया था, उसके तहत टीम बनाई गई थी जो हर ग्राम पंचायत में, जहाँ पे 74 ग्राम पंचायतें जहाँ पे डेंगू के मरीज मिले थे और जो लगभग 125 मरीज जो शहरी क्षेत्रों में मिले थे, उन सबों में टीम बना करके निरीक्षण किया गया। वहाँ पर लोगों से फीडबैक लिया गया कि किस प्रकार की सफाई और फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। ये टीम अपना रिपोर्ट आज तक देगी, इसके आधार पर हम लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे। अभी जो हमारा प्लान है, हम लोग रोस्टर बना करके गांव में सफाई करा रहे हैं, खासतौर से उस गांव को भी फोकस किया जा रहा है जिसमें डेंगू कोई मरीज मिले। ये जो सफाई का अभियान है सभी ग्राम पंचायतों में, सभी 1290 ग्राम पंचायतों में चल रहा है, पर विशेष फोकस उन गांव में जहां डेंगू का मरीज है। इसके अलावा सभी गांव में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। प्रधान जी और सचिव लोगों को विशेष रूप से ताकीद की गई है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो जो है गाँव में एंटी लार्वा का छिड़काव अवश्य करें और फॉगिंग हर एक हफ्ते में कम से कम एक बार फॉगिंग अवश्य कराते रहें और एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार कराते रहें हर एक 4-5 दिन में, ताकि कोई भी मच्छर नया पनप ही ना सके। अगर पनप जाता है तो फॉगिंग का इस्तेमाल करके मच्छर को जो है आगे बढ़ने से, किसी प्रकार की हानि पहुँचा, जनहानि करने से रोकें, ताकि किसी बीमारी का लोग, संक्रामक बीमारी का लोग शिकार ना हो सके। तो यह अभियान चलाया जा रहा है, जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है अगले 15-20 दिन तक, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि बाढ़ जो आई थी लेट आई थी, पानी लेट आया था, जो बारिश हुई थी तो उसकी वजह से अभी भी नवंबर के महीने में भी मच्छर का प्रकोप अभी भी जारी है। तो हम लोग इसके लिए लगातार लगे हुए हैं, पंचायत राज विभाग, ग्राम विकास विभाग कटिबद्ध है। हम लोग मजदूर का भी उपयोग कर रहे हैं, किराए के मजदूर जो सफाई कर्मी हमारे 3054 है वो तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ लगभग हम लोग 1000 के आसपास मजदूरों को भी प्रयोग में ला रहे हैं कि जो भी गांव में किसी प्रकार नाली में जो है जल भराव ना हो, नाली में गंदगी ना हो, उसका झाड़ियाँ ना रहे, झाड़ियों में की कटाई हो जाए, और लोगों को साथ ही साथ ये भी प्रेरित कर रहे हैं कि शौचालय का प्रयोग अवश्य करें, खुले में शौच करने ना जाए, क्योंकि शौचालय के प्रयोग नहीं करने से भी तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। तो लोगों को हर तरह समझाया जा रहा है और लोगों को डेंगू बाकी मच्छरों कैसे काटते हैं, उनसे बचाव के जो रास्ते हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो पंचायती राज विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाओं का मतलब मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बना करके हम लोग इस पर वार कर रहे हैं, ताकि ज़्यादातर लोग जो है बचे रहें और सुरक्षित रहें।